हरिद्वार के अवैध मजार पर गर्जा धाकड़ धामी का बुलडोजर। सिंचाई विभाग की जमीन पर किया था अवैध कब्जा। धामी के सख्त एक्शन से कांपे अतिक्रमणकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर हरिद्वार में अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर गर्जा है, जिसके बाद जो सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, इसे ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से बनाई गई मजार बुलडोजर कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि मजार अवैध रूप से सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार सुबह मजार पर बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर की यह पूरी कार्रवाई एसडीएम अजय वीर सिंह के नेतृत्व में की गई है। बता दें कि कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर किए अवैध निर्माणों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि यह बुलडोजर कार्रवाई उत्तराखंड के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत की गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह का बयान भी सामने आया है। सुनिए हरिद्वार की डीएम का ये बयान। तहसील सदर हरिद्वार के अंतर्गत मीरपुर ग्राम है, वहाँ पे पुनर्वास विभाग की जगह थी, और पुनर्वास विभाग की जगह थी, पहले यूपी सिंचाई की जगह थी, जो किसी जमाने में कृषि के पट्टे के लिए दी गई थी, उसके बाद भी समाप्त हो गई थी। और उसके पश्चात उसके लगभग वैसे तो 0.96 हेक्टेयर जगह थी, लेकिन 2 बीघे लगभग जगह में कुछ लोगों के द्वारा धार्मिक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया था, जो कि नियम विरुद्ध था, अतिक्रमण था। तो जो डीएम टेहरी साहब होते हैं वो पुनर्वास निदेशक होते हैं, तो उनके स्तर से भी अनुरोध आया था कि ये अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। तो पहले इनको नोटिस भी दिया गया था, इन लोगों ने कहा भी था कि हम स्वतः इसको हटा लेंगे, लेकिन समय से उनके द्वारा नहीं हटाया गया। तो आज जो है उसी को जो है मजिस्ट्रेट और पुलिस लगा करके और विभाग के द्वारा इसको हटाया। ये मीरपुर ग्राम में था और इस लगभग 2 बीघे जगह में ये बना हुआ था, और इसमें जो है कुछ धार्मिक संरचना बनी हुई थी, जिसको आज ये हटाया गया है और ड्यू प्रोसेस से हटाया गया। आगे सर इस तरह के जो कब्जे या फिर इस तरह के वो धार्मिक स्थल बना लेता है, उस पर किस तरह की अवैध कब्जा ही है, चाहे वो धार्मिक स्ट्रक्चर हो या किसी का व्यक्तिगत स्ट्रक्चर हो या किसी प्रकार का कब्जा हो, तो किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक एक करके हम लोग ड्राइव के अंतर्गत इसको हटा रहे हैं और आगे भी ये चलता रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रत्येक आदेश का अक्षर से अनुपालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार जिला प्रशासन ने शनिवार तड़के सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि प्रशासन ने बहारदराबाद क्षेत्र के राजपुर गांव में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मजार को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया है। मजार दरअसल सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसे हटाने की कार्रवाई आज की गई है। एसडीएम अजय वीर सिंह के नेतृत्व और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि मजार सरकारी जमीन पर एक बड़ी इमारत के रूप में बनाई गई थी, जो नियमों का उल्लंघन कर रही थी। प्रशासन के द्वारा अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम के तहत यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में भी ऐसे निर्माण को हटाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी हरिद्वार जिला प्रशासन ने ग्राम सभाओं में जेसीबी से अवैध कब्जे खाली करवाए थे। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले के अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि मजार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कोई भी अनुमति या परमिशन नहीं ली गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि साल 2016 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के नव निर्माण अथवा पुनर्निर्माण के लिए जिलाधिकारी की परमिशन जरूरी है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस मजार का न सिर्फ अवैध रूप से निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया है, बल्कि इसको बनाने के लिए किसी भी तरीके की परमिशन नहीं ली गई है। और यह मजार ज्यादा पुराना नहीं है, बल्कि 6-7 साल पुराना ही बताया जा रहा है। इसके बावजूद इसे बनाने के लिए प्रशासन से किसी भी तरीके की अनुमति नहीं ली गई थी, जिसकी वजह से इसे बुलडोज कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद के खिलाफ सख्ती अपनाई हुई है। सरकारी
जमीनों से लेकर के वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार का जमकर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सरकार की ओर से अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी भी दी गई है। सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए धामी सरकार की ओर से लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। राजधानी देहरादून, हल्द्वानी, कोचद्वार, विकास नगर, रुद्रपुर, काशीपुर, ऋषिकेश आदि शहरों में विगत दिनों कई बार अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी भी जारी की गई है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि देश भर में बुलडोजर एक्शन पर चर्चा भी हो रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की 4 बार सुनवाई भी हो चुकी है। अब इस फैसले को लेकर के इंतजार भी है। इन 4 सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने काफी कुछ साफ कर दिया है और बुलडोजर एक्शन को लेकर के टिप्पणियों के जरिए लकीर भी खींच दी है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि फैसला आने तक किसी दोषी आरोपी की संपत्तियां गिराने पर रोक जारी रहेगी। यह आदेश उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां अनाधिकृत निर्माण हटाने के लिए ऐसे ध्वस्तीकरण कार्रवाई की आवश्यकता है, यानी कि सार्वजनिक संपत्तियों पर से मामले में बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। इस तरीके की कार्रवाई प्रभावित नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए, साथ ही उस कार्रवाई की वीडियोग्राफी करानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर के गाइडलाइन बनाने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि किसी केस में कोई आरोपी हो या फिर दोषी, उसके घर या संपत्ति में तोड़फोड़ नहीं की जा सकती, यानी आरोपी या दोषी होना बुलडोजर चलाने का आधार नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, अवैध निर्माण साबित होने पर भी वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, यानी तुरंत बुलडोजर लेकर पहुंचना और तोड़फोड़ करना असंवैधानिक है और ये संविधान के तहत नहीं है। लेकिन वही दूसरी ओर अगर हम बात इस हरिद्वार में बने अवैध निर्माण की करें तो ये साफ तौर से सरकारी जमीन यानी कि सार्वजनिक प्रॉपर्टी पर बना था, जहां पर इसे बनाने के लिए किसी भी तरीके की परमिशन प्रशासन से नहीं ली गई थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि साल 2016 के बाद यदि उत्तराखंड में किसी भी तरीके के निर्माण बनाए जाते हैं जो कि धार्मिक निर्माण है, तो इसके लिए बकायदा प्रशासन से परमिशन लेनी होगी, प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। लेकिन इसके बावजूद हरिद्वार के गांव में जो मजार बनाया गया, इसके लिए कोई भी परमिशन नहीं ली गई है, जिसकी वजह से वहां पर न सिर्फ एसडीएम पहुंचे, भारी फोर्स को वहां पर तैनात किया गया, उसके बाद इस बुलडोजर प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है और यह पूरा का पूरा जो अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए। धन्यवाद। तहसील सदर हरिद्वार के अंतर्गत मीरपुर ग्राम है, वहाँ पे पुनर्वास विभाग की जगह थी और पुनर्वास विभाग की जगह थी, पहले यूपी सिंचाई की जगह थी जो किसी जमाने में कृषि के पट्टे के लिए दी गई थी, उसके बाद भी समाप्त हो गई थी और उसके पश्चात उसके लगभग वैसे तो 0.96 हेक्टेयर जगह थी लेकिन 2 बीघे लगभग जगह में कुछ लोगों के द्वारा धार्मिक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया था जो कि नियम विरुद्ध था, अतिक्रमण था। तो जो डीएम टेहरी साहब होते हैं वो पुनर्वास निदेशक होते हैं, तो उनके स्तर से भी अनुरोध आया था कि ये अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए, तो पहले इनको नोटिस भी दिया गया था और इन लोगों ने कहा भी था कि हम स्वतः इसको हटा लेंगे, लेकिन समय से इनके द्वारा नहीं हटाया गया। तो आज जो है उसी को जो है मजिस्ट्रेट और पुलिस लगा करके और विभाग के द्वारा इसको हटाया। ये मीरपुर ग्राम में था और इस लगभग 2 बीघे जगह में ये बना हुआ था और इसमें जो है कुछ धार्मिक संरचना बनी हुई थी जिसको आज ये हटाया गया है और ड्यू प्रोसेस से हटाया गया। आगे सर इस तरह के जो कब्जे या फिर इस तरह के वो धार्मिक स्थल बना लेता है उस पर किस तरह की अवैध कब्जा ही है, चाहे वो धार्मिक स्ट्रक्चर हो या किसी का व्यक्तिगत स्ट्रक्चर हो या किसी प्रकार का कब्जा हो, तो किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एक एक करके हम लोग ड्राइव के अंतर्गत इसको हटा रहे हैं और आगे भी ये चलता रहे।